हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं स्किलिनरी और आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, बहुत सारे वेजिटेबल यूज किए जाते हैं इस रेसिपी में। तो चलिए देखते हैं ढाबे वाले इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारी ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाने का तरीका थोड़ा हटके है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे पत्ता गोभी को चॉप करने से। इसे हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे और यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड और तेज़ नाइफ़ की मदद से इसे चॉप करने वाला हूँ। आप चाहें तो रेगुलर जिस तरीके से आप घर में इसे चॉप करते हैं या काटते हैं, उसी तरीके से आप इसे कट कर लीजिए। तो पत्ता गोभी को अच्छे से हमने इस तरीके से चॉप कर लिया, यानी कि स्ट्रेट कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए बहुत ही पतले पतले इस तरीके से लच्छे होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कढ़ाई हम गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे तेल, और तेल गर्म होने पर अदरक और हरी मिर्च इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा देर हम इसे अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे एक प्याज को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया था। अच्छे से चला देंगे और प्याज के छल्लों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। प्याज को थोड़ा भून लेने के बाद डालेंगे आलू, और आलू को भी 2 मिनट तक हम इस तरीके से भून लेंगे। और आलू के बाद यहाँ पे हम डालने वाले हैं गाजर। तो यहाँ पे पतले पतले मैंने गाजर को काट लिया है, जिससे गाजर को पकने में आसानी होगी। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए बस हम गाजर को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने सूखे मसालों को। तो सूखे मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और साथ ही यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग आधा चम्मच के आसपास, और साथ ही नमक डाल देंगे। और नमक डालने के साथ ही हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब मसाला हमारा पक जाएगा, अच्छी से खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। यानी कि 10 सेकेंड बाद ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस यहाँ पे डार्क सोया सॉस लिया है मैंने। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बस तुरंत बाद ही हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पे हमारा मसाला बन चुका है, अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी के साथ ही यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ शिमला मिर्च भी, जिसे कि मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि शिमला मिर्च को आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। जब आपकी पत्ता गोभी 90% कुक हो जाए, तब आप शिमला मिर्च इसमें डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करके कुछ देर पका लीजिए, जिससे कि शिमला मिर्च का कलर जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा ही बस कलर इसका चेंज होगा। तो अच्छी तरीके से सारे मसालों के साथ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे सारे मसालों के साथ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को हमने मिला लिया है। मिलाना आपको थोड़ा आराम से है, जिससे कि सब्जियाँ बाहर न गिरें और अच्छी तरीके से ये मिल जाए। ये जो सब्जी है, अब हम इसे ढक देते हैं करीबन 1 मिनट के लिए, और इससे मॉइस्चर आप देख रहे हैं अच्छे से रिलीज़ हो रहा है। फिर इसका हम ढक्कन हटाएँगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम डालेंगे इसमें टमाटर को। तो टमाटर को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लांच किया, फिर उसके बाद उसके छिलके को निकाल के चॉप कर लिया, इसमें मैं डाल देता हूँ। आप चाहें तो कच्चे टमाटर को भी डाल सकते हैं। इसके छिलके मुंह में आते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से इसके छिलके को निकालने के लिए इसे ब्लांच किया था। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, और अब इसे हम ढक देंगे करीबन 8 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे ढक के अच्छे से पका लेना है, और इसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें मटर, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कप मटर मैंने लिया, उसे पानी में थोड़ा सा उबाल लिया है, जिससे कि मटर नरम हो जाएंगे। मटर डालने के साथ ही गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे, और करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इस सब्जी को हमें पकाना है, जिससे कि इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। या फिर ये सब्जी इतनी तैयार हो जाने के बाद एक फ्राइंग पैन में आप थोड़ा सा घी और थोड़ा सा अदरक मिर्च और साथ ही धनिया डाल के इस सब्जी को बस फ्राई कर लीजिए तेज़ आँच पर। ये बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और आपकी सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी।
तो ये रेसिपी थी ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी मिक्स वेज की, जो कि आपको ज़रूर बनानी चाहिए इस विंटर सीज़न में। टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका। और ये सब्जी बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए वो ढाबे वाली जो प्लेट होती है वो मैंने लिया है, और सब्जी को गर्मा गर्म इसे निकाल लेंगे और इसमें हम रखते जाएंगे। और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं, या इस तरीके से धनिया के कुछ नरम पतले पत्तों को लेके इस तरीके से आप सजा भी सकते हैं। तो ये रेसिपी थी ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी के मिक्स सब्जी की, जिसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने सवाल, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।